हिसार में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा स्थानीय नेता डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर ढोल और शंख बजाकर उन्हें जगाने का काम किया गया। मौके पर कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार जल्द ही उनकी मांगे मान लेती है, नहीं तो उनका आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा जिसमें कई और संगठन उनका साथ देंगे। नगर पालिका के कर्मचारी 15वें दिन स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं और अभी तक सरकार के जू नहीं रेंगी है और सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित सभी संगठन और भी संगठन हमारे बीच में हमारा समर्थन करने के लिए आए हुए हैं और ये जो लड़ाई है सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, समान काम समान वेतन लागू करने के लिए, सभी कर्मचारियों को रिहायशी प्लाट के बारे में और अन्य मांगे पदोन्नति वगैरह जो भी है वो समय पे दी जाए। आज हमने कमल गुप्ता जी विधायक के यहाँ जो बीजेपी सरकार के विधायक है, हमने सरकार को जगाने की कोशिश की है ढोल और शंख बजा के। आज हम 15 दिन से हड़ताल पे है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इसलिए हमारे कार्यकारिणी ने ये फैसला किया कि हम भाजपा के विधायकों को मंत्रियों को जाकर जगाएंगे कि वो हमारी आवाज़ सुने। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की पूरे प्रदेश में हड़ताल 15 दिन में प्रारंभ कर चुकी है। सरकार का नज़रिया बहुत ही कर्मचारी विरोधी है, सरकार नहीं चाहती कि शांति अमन शांति रहे और शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे। सरकार की जो नीति है उसके विरोध में PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन हरियाणा ने फैसला लिया है कि कल 24 तारीख को पूरे प्रदेश में सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक जल और मल सेवाएं प्रभावित करेंगे। तमाम के तमाम कर्मचारी हैं पब्लिक हेल्थ इरीगेशन और BNR के, वो 4 घंटे की हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे, CM के नाम ज्ञापन देंगे।